हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द डायूरेटिक दैट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया, हिर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एज ए साइड इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। एमिलोराइड, स्पायरोनोलैक्टोन, मेटोलाजोन, एसिटाजोलामाइड। डायूरेटिक दैट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया, देन हिर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एज ए साइड इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। तो ये होता है स्पायरोनोलैक्टोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्पायरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड ये इंटरैक्ट करता है विद प्रोजेस्टिन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड ये हैसन कराता है टेस्टोस्टेरोन क्लियरेंस एंड लीड्स टू हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पायरोनोलैक्टोन। देन स्पायरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन इज स्पायरोनोलैक्टोन। देन मेल गायनेकोमेस्टिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय स्पायरोनोलैक्टोन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है, एमिलोराइड भी होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, मेटोलाजोन होता है थायजाइड डायूरेटिक, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, वीक डायूरेटिक होता है एसिटाजोलामाइड। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्राऑक्युलर टेंशन। Therefore, it is used in the treatment of glaucoma. Then, alkalinization of urine is done with acetazolamide. ये भी previous year question है. Alkalinization of urine is done with acetazolamide. कैसे कराता है ये alkalinization of urine? तो ये carbonic anhydrase को inhibit कराता है. Then, it also inhibits reabsorption of bicarbonate from urine. And this unabsorbed bicarbonate is excreted in urine and makes it alkaline. ये बाइकार्बोनेट्स के रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कराता है एंड ये अनअब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होते हैं इन यूरिन एंड मेक्स यूरिन अल्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन इज फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मैलिटी। क्या होता है इसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन? तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग, डॉक्सोरूबिसिन, मीथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन, नाइट्रोजन मस्टर्ड। इनमें से कौन सा है अल्काइलेटिंग एजेंट? तो एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसमें आते हैं साइक्लोफोस्फामाइड, आइसोस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिन, मेलफेन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स में और आते हैं थियोटेपा, देन ब्यूसल्फान, कारमुस्टिन, लोमुस्टिन, डकारबेजिन। ये सभी आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। डॉक्सोरूबिसिन होता है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होता है डॉक्सोरूबिसिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। मीथोट्रेक्सेट क्या है? तो एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, देन मीथोट्रेक्सेट रिक्वायर्स लीवर फंक्शन टेस्टिंग। देन ये मीथोट्रेक्सेट होता है फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। ये होता है फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। ठीक है, विनब्लास्टिन, विनका एल्केलॉइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है विनका एल्केलॉइड्स का? तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। विनका एल्केलॉइड्स माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को इनिबिट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट, वारफेरिन, फेनिंडियन, प्रोप्रानोलॉल, हेपेरिन। रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट, तो ये हो जाएगा हेपेरिन। ऑप्शन डी पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हेपेरिन का? तो इट प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटेलाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। देन कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है हेपेरिन का?
तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन हेपेरिन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। एंड केमिकली हेपेरिन इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। वारफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी। देन विच इज ए प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजन, तो ये भी होता है वारफेरिन, वारफेरिन इज ए प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजन। फेनिंडियन, तो ये भी एंटीकोएगुलेंट होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज प्रोप्रानोलॉल, तो ये होता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी इज प्रोप्रानोलॉल। देन ड्रग दैट एग्रेवेट ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थेरापूटिक इंडेक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इफिकसी ऑफ द ड्रग, मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ द ड्रग, क्या होता है थेरापूटिक इंडेक्स? तो थेरापूटिक इंडेक्स होता है मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थेरापूटिक इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेरापूटिक डोज, रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेरापूटिकली इफेक्टिव डोज होता है थेरापूटिक इंडेक्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेरापूटिकली इफेक्टिव डोज इंडिकेट्स थेरापूटिक इंडेक्स। देन व्हाट इज इफिकसी ऑफ द ड्रग, ड्रग इफिकसी क्या होता है? तो मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग होता है ड्रग इफिकसी। ड्रग इफिकसी इज द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रग अब्यूज, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड यूज ऑफ पेनिसिलिन जी फॉर द क्यूर ऑफ वायरल फीवर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन टू रिलीव हेडेक, रिपीटेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन टू डिराइव यूफोरिया, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा हो जाएगा ड्रग एब्यूज? तो ये हो जाएगा रिपीटेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन टू डिराइव यूफोरिया, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज 2 to 4 hours, 8 to 10 hours, 20 to 24 hours, 30 to 36 hours, कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन? तो ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 hours, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, देन न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेगेड्रॉन, NPH, ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। देन कौन से होते हैं रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन? तो रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन में आता है लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है 2 to 4 hours। देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 to 10 hours। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन, डेटिमिर, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होता है डिग्लूडेक, डिग्लूडेक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 hours, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे स्टोरेज कंडीशन इंसुलिन का, तो इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 degrees Celsius, कौन से शेड्यूल में आता है इंसुलिन? तो शेड्यूल सी होता है इंसुलिन के लिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस। देन 1 milligram ऑफ इंसुलिन कंटेंस हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं 1 milligram ऑफ इंसुलिन में? तो ये होते हैं 24 units, 1 milligram ऑफ इंसुलिन कंटेंस 24 units, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगोल्स आयोडीन कंटेंस 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 20% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, 5% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, क्या होता है लुगोल्स आयोडीन में? तो लुगोल्स आयोडीन कंटेंस 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। एंड ए लुगोल्स आयोडीन होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज लुगोल्स सोल्यूशन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द थायरॉयड इनिबिटर विच प्रोड्यूसेस द फास्टर रिस्पॉन्स, कौन सा थायरॉयड इनिबिटर प्रोड्यूस कराता है फास्टर रिस्पॉन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ये भी होता है लुगोल्स आयोडीन, आयोडीन होता है फास्टर एक्टिंग थायरॉयड इनिबिटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन रिसेप्टर इज ए आयन चैनल रेगुलेटिंग रिसेप्टर, थायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। द इंसुलिन रिसेप्टर इज, तो ये होता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द इंसुलिन रिसेप्टर इज ए टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन, एलोपेशिया, सेडेशन। इनमें से क्या है मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोज? तो ये होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी सीजर ड्रग्स का, एंटी कन्वल्सेंट्स का मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एंटी सीजर ड्रग्स का यूज करते हैं टू ट्रीट इपिलेप्सी। एग्जाम्पल्स क्या है, तो फिनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपाइन, गाबापेंटिन, जोनिसामाइड, लेविटिरासेटम, फिनोबार्बिटल, ये सभी होते हैं एंटी सीजर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट ए रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, आइसोफ्लूरोफेट, कार्बाकॉल, फाइसोस्टिगमाइन, पैराथियन। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, तो ये होता है फाइसोस्टिगमाइन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फाइसोस्टिगमाइन होता है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, ये होता है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी पॉइजनिंग में यूज करते हैं एज एन एंटीडॉट फाइसोस्टिगमाइन का, तो फाइसोस्टिगमाइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडॉट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देन ये होता है मायोटिक एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये कार्बाकॉल होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये भी मायोटिक होता है एंड इसे यूज करते हैं टू डिक्रीज इंट्राऑक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एंड टू इंड्यूस मायोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। मायोसिस प्रोड्यूस कराने के लिए यूज करते हैं कार्बाकॉल का एंड ये डिक्रीज कराता है इंट्राऑक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज डिपोलराइजिंग एजेंट, वेक यूरोनियम, स्कोपोलामाइन, सक्सिनाइल कोलिन, हेक्सामिथोनियम। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज ए डिपोलराइजिंग एजेंट, तो डिपोलराइजिंग एजेंट होता है सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्लास में आता है सक्सिनाइल कोलिन। वेक यूरोनियम क्या है, तो ये होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है वेक यूरोनियम। हेक्सामिथोनियम, तो ये नॉन डिपोलराइजिंग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। स्कोपोलामाइन, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में आता है स्कोपोलामाइन, ये ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। इट इज यूज टू प्रिवेंट नोशिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय मोशन सिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज आइसोफेन इंसुलिन, इंसुलिन डिग्लूडेक, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, रेगुलर इंसुलिन। इंसुलिन विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इंसुलिन डिग्लूडेक का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो 40 आवर्स, ये होता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन डिग्लूडेक। ये आइसोफेन इंसुलिन एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स। रेगुलर इंसुलिन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स। एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डेटिमिर एंड प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा, एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोबेलिन, होमेट्रोपिन। एजेंट यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा, तो ये होता है इप्राट्रोपियम, ऑप्शन बी। ये इप्राट्रोपियम आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में, इप्राट्रोपियम, होमेट्रोपिन, ये होते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। एंड एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर होता है इप्राट्रोपियम। लोबेलिन डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है लोबेलिन। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। एंड ये जो होमेट्रोपिन होता है इट इज लेस पोटेंट देन एट्रोपिन एंड इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है।
एंड होमेट्रोपिन इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल डायलेशन के लिए यूज करते हैं होमेट्रोपिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज इन ए पेशेंट ऑफ प्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, कॉर्टिकोट्रोपिन, डेस्मोप्रेसिन, HCG, मेनोट्रोपिन, किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं इन द पेशेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। डोज कितना होता है इसका डायबिटीज इंसिपिडस में? तो 2 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं डेस्मोप्रेसिन को इन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। एंड ये डेस्मोप्रेसिन होता है 12 times मोर पोटेंट देन वैसोप्रेसिन, 12 times मोर पोटेंट एंटी डायबिटिक होता है वैसोप्रेसिन से डेस्मोप्रेसिन। इसे यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्चर्नल इनुरेसिस, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन? तो ये होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देन विच इज अ 39 अमाइनो एसिड पेप्टाइड हॉर्मोन? तो ये होता है कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन होता है 39 अमाइनो एसिड पेप्टाइड हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन व्हाट इज मेनोट्रोपिन्स? तो ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं मेनोट्रोपिन्स, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स आर मेनोट्रोपिन्स। ये होते हैं मिक्सचर ऑफ FSH एंड LH, मिक्सचर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड लूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स इज मेनोट्रोपिन्स। किस लिए यूज करते हैं मेनोट्रोपिन्स का? तो इसे यूज करते हैं टू स्टिमुलेट ओवरीज विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है मेनोट्रोपिन्स का विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।